हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आइए आज हम लोग फिजिक्स के लिए अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का स्टडी करते हैं। यह फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग देखते हैं रेट ऑफ चेंज। क्या देखते हैं? रेट ऑफ चेंज, ये क्या होता है? व्हाट इज रेट ऑफ चेंज? तो किसी भी क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग रेट ऑफ चेंज फाइंड करना चाहें तो इजीली फाइंड कर लेंगे। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम वाई मीनिंग यहाँ पे है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू लिखेंगे डी डी एक्स। किसके रिस्पेक्ट में चेंज फाइंड करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई। पिछले वीडियो में हम लोग इसको पढ़े थे, क्या डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पर रेट के स्थान पर क्या हो गया था? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया था। तो यहां पर भी वही मीनिंग है। अगर यहां पे कह दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या लिखेंगे? किसके रिस्पेक्ट में है? y के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज, तो d डी वाई ऑफ x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा। डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? डी वाई। लेकिन अगर केवल क्या दे दे? रेट ऑफ चेंज दे दे। क्या दे दे? रेट ऑफ चेंज ओनली ये दे दे, रेट ऑफ चेंज, और किसी के रिस्पेक्ट में ना दे, तो इसे टाइम के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है? टाइम के रिस्पेक्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स केवल ये लिख दे, विद रिस्पेक्ट टू ना लिखे, तो इसे ऑलवेज टाइम के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। डी डी टी ऑफ एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ डी डी टी ऑफ एक्स। कह दे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ओनली वाई कह दे, और ये ना किसके रिस्पेक्ट में ना दे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में गिवेन है। किसके रिस्पेक्ट में गिवेन है? डी डी टी ऑफ वाई इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ वाई। तो अगर ऐसे गिवेन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो समझ जाएं कि यहाँ पे किस क्वांटिटी का किसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज गिवेन है, लेकिन पहले और दूसरे में। लेकिन इसमें ए नहीं गिवेन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू किस क्वांटिटी के, तो जब नहीं गिवेन रहेगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में माना जाता है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। जैसे एज्यूम कर लिया जाए यहाँ पे गिवेन हो, कह दे अगर किसी सर्किल की रेडियस, सर्किल की जो रेडियस है आर, इसका रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इससे इंक्रीज कर। एक और बात इसमें कह दिया जाए, अगर क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, अगर क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है और डिक्रीज कर रही है, तो इनमें प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो डी डी टी ऑफ एक्स पॉजिटिव लिया जाएगा। क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर यही फिजिकल क्वांटिटी डिक्रीज करने लगे तो डी डी एक्स ऑफ टी निगेटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? निगेटिव। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसका रेट ऑफ चेंज, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगी तो या तो वो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी। अगर फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर वो डिक्रीज कर रही है तो रेट ऑफ चेंज क्या लिया जाएगा? निगेटिव लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कह दिया जाए कोई सर्किल है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो अगर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे। कौन सा साइन लेंगे? पॉजिटिव साइन।
और कह दे इसका जो एरिया है किस रेट से चेंज करेगा, फाइंड रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन एरिया, एरिया में रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो एरिया ए इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करें तो डी ए अपॉन डी टी, क्यों टी के रिस्पेक्ट में, डी डी टी ऑफ ए टी के रिस्पेक्ट में क्यों डिफ्रेंशिएट किए, क्योंकि अगर मैं यहाँ ध्यान से देखें तो पर सेकेंड है, क्या है पर सेकेंड, सेकेंड का मतलब यहाँ पे टाइम रहा होगा, ये टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है तो रेट ऑफ चेंज इन रेडियस, इन रेडियस पूरा क्वेश्चन यहां से गिवेन है इक्वल्स टू ए डी बस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहां पे दिया रहेगा इंक्रीज कर रहा है, क्या इंक्रीज, क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, सबसे पहले हमें दिया है लिखना आना चाहिए यहां पे कि रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड से ही हम लोग के दिमाग में आना जाना चाहिए कि टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन है, किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे लिखेंगे डी डी टी ऑफ आर इक्वल्स टू इंक्रीज कर रहा है तो प्लस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका जो एरिया ए है ए पाई आर स्क्वायर है, तो इसमें चेंजिंग कैसे फाइंड करेंगे, डी डी टी ऑफ ए इक्वल्स टू आई बार हो जाएगा, डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बार हो गया, आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे 2r, पावर पहले आ जाएगा और पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे इसका कॉन्सेप्ट। अब r का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ r, पहले r स्क्वायर का पावर का डिफरेंशिएशन, पाई तो कॉन्स्टेंट था बाहर हो गया, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 2r बाहर हो जाएगा, ए बचेगा डी डी टी ऑफ r इक्वल्स टू 2 पाई आर, और डी आर अपान डी टी, डी डी टी अपान आर हमें गिवेन है कितना 5, तो यहाँ से आ जाएगा 10 पाई आर। क्या लिखेंगे यूनिट, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर और ये टाइम है सेकेंड, जैसे यहाँ पे लिखा गया इसका यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, वैसे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिख दिया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर कोई रेक्टेंगल गिवेन है, क्या गिवेन हो रेक्टेंगल, क्वेश्चन ऐसे गिवेन हो इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, ए रेक्टेंगल इंक्रीजेज विथ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड व्हाइल इट्स वेट डिक्रीजेज विद 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन फाइंड रेट ऑफ चेंज इन फर्स्ट पेरीमीटर एंड एरिया, एंड एरिया दोनों में हमको फाइंड करना है, पेरीमीटर में भी फाइंड करना है और एरिया में भी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं भाई, बस हमें यहाँ पे मीनिंग फाइंड करना है, इसका मीनिंग यहाँ पे गिवन भी 8 एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, एंड वाई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और ये भी गिवन है कि ये लेंथ है ये विड्थ है, एक्स गिवन रहेगा लेंथ, क्वेश्चन में गिवन रहेगा लेंथ एंड वाई गिवन रहेगा विड्थ, मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करना है, एक किस पर फाइंड करना है, जब लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाए और विड्थ कितना सेंटीमीटर हो जाए 8 सेंटीमीटर। तो कोई रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसकी लेंथ x है और इसकी विड्थ क्या है y है, लेंथ x है और विड्थ क्या है y है, तो कह दिया जाए यहां से
इसका पहले पेरीमीटर क्या लिखेंगे, पी इक्वल्स टू, और इसके पहले जो मीनिंग दिया है उसका मतलब समझते हैं हम लोग। इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज विथ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब जो लेंथ एक्स है ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, अपान में सेकेंड है, तो डी डी टी हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन गिवन है, और प्लस 5 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि ये इंक्रीज कर रहा है। और नेक्स्ट डी डी टी ऑफ वाई जब लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यों माइनस लिखेंगे, करे व्हाइल इट्स विड्थ डिक्रीजेस विद 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, विद रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर देगा, शॉर्ट में लिख दिए हैं, -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से डिक्रीज करेगा तो यहां माइनस साइन आ जाएगा, कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन। अब हमें क्या क्या लिखना है इसका, अब यहां पे लेंथ भी गिवेन है, जो जो गिवेन है ले लिया जाए, एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड वाई इक्वल टू क्या गिवेन है, 8 सेंटीमीटर गिवेन है। तो यहां पे कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, जो जो इंफॉर्मेशन गिवेन है वो हम लोग लिख लिए, अब देखते हैं पेरीमीटर में और एरिया में रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां पे पेरीमीटर क्या होगा भाई, पेरीमीटर जो होगा वो होगा पी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, हेंस 2x + y, और इसमें हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो डी डी टी ऑफ पी इक्वल्स टू, 2 बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, डी डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई, पेरीमीटर लिखने के बाद इधर डी डी टी और इधर भी डी डी टी कर देंगे, अब ये 2 बाहर हो जाएगा, इसे लिखेंगे डी डी टी ऑफ एक्स प्लस डी डी टी ऑफ वाई, और ये हमें दिया है डी डी टी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू कितना गिवेन है, 5 सेंटीमीटर, 2 × 5, और डी डी टी ऑफ वाई कितना गिवेन है यहां से, -4, तो डी डी टी ऑफ एक्स गिवेन है 5, डी डी टी ऑफ वाई गिवेन है -4, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आंसर चेंज हो जाता अगर इसको भी इंक्रीज बोलता कि जो इसका विड्थ है वो भी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पे +4 लिख देते तो कितना हो जाता, 9 to the 18 हो जाता, कितना हो जाता, 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं दूसरा किसका एरिया कैसे चेंज होगा, क्या एरिया, तो एरिया हम लोग क्या लिखते हैं ये देखते हैं, सेकेंड एरिया ए इक्वल्स टू लिखेंगे, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एक्स इंटू वाई, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी टी ऑफ ए इक्वल्स टू, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, पिछले वीडियो में हम लोग सीखे हैं, जैसे यहाँ पे डी डी टी करेंगे डी डी टी ऑफ एक्स वाई, पिछले वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट पढ़े कि दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लीकेशन गिवेन हो तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्लस, अब सेकेंड को बाहर कर देंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, एक्स की वैल्यू कितना गिवेन है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर, इसमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करना था इसके एरिया में, लेकिन जब इसकी साइड बढ़ते बढ़ते लेंथ बढ़ते बढ़ते क्या हो जाए 10 सेंटीमीटर और विड्थ बढ़ते बढ़ते क्या हो जाए 8 सेंटीमीटर, उस टाइम पे फाइंड करना था, और डी डी टी ऑफ वाई कितना गिवेन है, -4, और प्लस वाई की वैल्यू कितना गिवेन है, वाई इक्वल्स टू 8, और डी डी एक्स ऑफ डी टी कितना गिवेन है, 5, कितना गिवेन है 5, तो ए -40 और +40 कितना आ जाएगा 0, इसका मतलब इस समय इसका एरिया चेंज नहीं हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि जितना से लेंथ बढ़ रहा होगा उतने ही रेट से विड्थ क्या हो रही है, घट रही होगी, अगर इसी में ये रेट ऑफ चेंज अगर पॉजिटिव दिया रहता तो यहाँ पे +40 आता है और यहाँ पे आंसर क्या हो जाता, 80 हो जाता है, कितना आंसर हो जाता भाई 80। अब फिजिक्स में एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है जो कि जनरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या गिवन रहेगा, कह देगा कि मान लिया जाए एक
स्टेयर है, सीढ़ी, इसकी लेंथ कुछ भी दे सकता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, जो भी गिवेन हो। और यहां से कह दिया इसकी लेंथ एल है और ए गिवेन रहेगा, कह देगा कि इसका जो निचला एंड है यह इस पर स्लिप कर रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो कहेगा कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो कहेगा कि यह एंड कितने से नीचे आएगा, इसको फाइंड करना रहेगा। तो यह एक्स एक्सिस पे है तो इसे वी एक्स ले लिया जाता है, क्या ले जाता है, वी एक्स, और ये वाई एक्सिस पे है तो क्या ले लिया जाता है, वी वाई। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वाल है, दीवार है, और ये ग्राउंड है, और ग्राउंड पे ऐसे स्टेयर रख दिया गया सीढ़ी, इस सीढ़ी का जो निचला सिरा है वो का देगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से अगर स्लिप करे तो, या किस रेट से स्लिप करेगा उस समय जब यह 5 मीटर हो और ये कितना हो, सॉरी ये 4 मीटर हो और ये कितना हो, 3 मीटर हो, ये गिवन रहेगा इतना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इससे हम लोग एक रिलेशन लिख लेंगे, या वी एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा उसे वी एक्स मानेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग रहेगा उसे वी वाई एज्यूम करेंगे। अब यह वी एक्स का मतलब क्या हुआ, वी एक्स का मतलब यहाँ पे हुआ डी डी टी ऑफ एक्स गिवेन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, अभी हम आप लोग को फिजिक्स में पढ़ाएंगे आगे, या एप्लीकेशन भी बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग है तो डी डी टी ऑफ एक्स, और वाई एक्सिस के अलोंग रहेगा तो क्या लिखेंगे, डी डी टी ऑफ वाई, क्या लिख देंगे भाई, डी डी टी ऑफ वाई। और एक रिलेशन कोई भी अपनी तरफ से यहां से लिख लेंगे, यहां से एक रिलेशन हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक रिलेशन हमें यहां से दिखाई दे रहा है पाइथागोरस थ्योरम। अभी तो एज कह रहा है कि 4 मीटर और 3 मीटर रहेगा, उस टाइम पर हमें इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, इस टाइम पे नहीं, अभी यह एक्स है और क्या है, वाई है। व्हेन एक्स इक्वल्स टू 4 मीटर एंड वाई इक्वल्स टू 3 मीटर, देन फाइंड भी वाई, किसको फाइंड करना है, भी वाई को, इसको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। यहां पे ये कांस्टेंट होगा, एक्स और वाई तो बदलेगा, क्योंकि अगर स्टेयर स्लाइड कर जाएगी तो यह एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और वाई की वैल्यू ए जो है घट जाएगी, क्योंकि यह इंड इधर आ जाएगा तो वाई की वैल्यू घट जाएगी, क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर पहले आ जाए, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, टाइम के, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या ऑप्टेंड हो गई, डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा डी डी टी ऑफ एल स्क्वायर, लेकिन एक कांस्टेंट होगा, स्टेयर की लेंथ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं जीरो होता है, इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगा टू और यह एक्स हो जाएगा, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन डी डी टी ऑफ एक्स, और प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू पावर पहले आ जाएगा और पावर में से वन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वाई हो जाएगा, फिर वाई का डिफरेंशिएशन डी डी टी ऑफ वाई इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा, जीरो। ये जीरो क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये स्टेयर की लेंथ क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो ये कह रहा है कि हमें ए वाली वैल्यू डी डी टी ऑफ एक्स क्या होगा, ए होगा वी एक्स, तो टू एक्स इंटू वी एक्स प्लस टू वाई इंटू ए क्या हो जाएगा, वी वाई इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे टू वाई हो गया और इसको क्या बोले, वी वाई इक्वल्स टू जीरो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ए हमें दिया वी एक्स की वैल्यू, वी एक्स की वैल्यू कितना दिया, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये जाएगा टू, और एक्स की वैल्यू कितना गिवेन है, उस समय फाइंड करना जब ये 5 दिया हो, सभी समय पर तो ये 5 नहीं रहेगा, और ये उस समय फाइंड करना है जब ये 4 हो और ये क्या हो, 3 हो। तो जरा इसको यहाँ से ध्यान से देखते हैं, टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितना है 4, और वी एक्स, वी एक्स की वैल्यू कितना है 5, और प्लस टू वाई, वाई की वैल्यू कितना गिवेन है भाई, 3, वाई की वैल्यू क्या है 3,
और यहाँ पे वी वाई हमको फाइंड करना है इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा ए हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40 प्लस 6 वी वाई इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से 6 वी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 40, कितना हो जाएगा माइनस 40, और वी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 40 अपॉन 6 इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। माइनस में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ वाई की लेंथ क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और अभी इसके पहले हम लोग देखे हैं जब भी लेंथ डिक्रीज करेगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, क्या आएगी निगेटिव। अब रेट ऑफ चेंज पे क्वेश्चन और भी देखते हैं कैसे फिजिक्स में पूछे जाते हैं, जैसे ये तो हमें इसकी वेलोसिटी से रिलेटेड पूछ सकता है, कभी कभी क्या दिया रहेगा हमें डिस्प्लेसमेंट गिवेन रहेगा, अगर हमें इफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एक्स गिवेन हो तो हम लोग उस पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या लिखेंगे यहां से, v इक्वल्स टू dt ऑफ x, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें वेलोसिटी ऑब्टेंड होती है, रेट इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, dt का मतलब क्या हुआ, इसे बोलेंगे रेट, जब भी टी रहेगा तो रेट ऑफ चेंज, डी का मतलब या डीटी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसे रेट इसे चेंज ऑफ एक्स क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं इसे कैसे पढ़ेंगे, ये रहेगा रेट, नीचे जो रेट डीटी का मतलब चेंज ऑफ एक्स, इसे पढ़ेंगे रेट ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, ये जो डी टी है रेट है, ऑफ है यहां पे और ये चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, इसका अर्थ है वेलोसिटी। सिमिलरली अगर हम लोग वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दें तो एक्सेलरेशन ऑब्टेंड होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल कैसे लिखेंगे, ए इक्वल्स टू लिखेंगे वेलोसिटी का, कैसे लिखेंगे डीटी का मतलब रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, तो अगर डिस्प्लेसमेंट गिवेन है तो हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, वेलोसिटी गिवेन है तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, अभी आगे हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे कि अगर एक्सेलरेशन गिवेन है तो वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे और वेलोसिटी गिवेन है तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे, क्या फाइंड कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन गिवेन हो इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 5t, तो क्या क्या पूछ सकता है, फाइंड, पहला पूछेगा फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3 सेकेंड, और ये मीटर में गिवेन रहेगा, सेंटीमीटर में भी गिवेन हो सकता है। दूसरा कर सकता है फाइंड एक्सेलरेशन 8 t इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3 सेकेंड, एंड 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन भी फाइंड करना, यहां पे हमें t अक्का देगा, वह टाइम फाइंड कीजिए जब वेलोसिटी क्या हो जाए 0। थर्ड में पूछ सकता है फाइंड टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम्स 0, वेलोसिटी बिकम्स 0, और ये भी पूछ सकता है फाइंड टाइम एट विच एक्सेलरेशन बिकम्स 0, एक्सेलरेशन बिकम्स 0, ये सभी क्वेश्चन कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कैसे कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्या गिवेन है,
करें इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू, एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है भाई, 3t³ माइनस 5t मीटर में गिवन है। तो अगर हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जो यहां से ऑब्टेंड होगा वी इक्वल्स टू होगा डी डी टी ऑफ एक्स, डी डी टी ऑफ एक्स, क्योंकि जब भी डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, और यहां पे 3t³ माइनस 5t हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5t। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएशन हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 3 और इसके पहले डी डी टी होगा। तो जब टी पर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका पावर पहले आ जाएगा, इसमें से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस फाइव लिख देंगे, और टी का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखेंगे भाई, डी टी अपॉन डी टी 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो यहां से हमें वेलोसिटी जो ऑब्टेंड हो जाएगा वो हो जाएगा 9t² और माइनस 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 5। और तो अब हम लोग एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लेते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा, ए इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ वी हो जाएगा, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, या डी डी टी ऑफ वी क्या हो जाएगा 9t² माइनस 5, यहां से क्या लिखेंगे 9 और टी स्क्वायर का क्या लिखेंगे 2t के पावर पहले आ जाएगा, और पावर में सुमा सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 5 का क्या हो जाएगा कांस्टेंट है 0, 18t हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18t। अब देखते हैं हम लोग, हमें पहला क्या पूछा है, फाइंड पहला पूछा था टी इक्वल 1, 2 और 3 सेकेंड पे हमें वेलोसिटी फाइंड करना था, तो वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या आ जाएगा, यहां से फाइंड कर लेते हैं वेलोसिटी वी इक्वल्स टू गिवेन है हमें 9t² माइनस 5, ओनली इसमें टी इक्वल्स टू कितना सब्सटीट्यूट करेंगे 1, तो 9 × 1² माइनस 5 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यक्स मीटर में दिया था और टाइम टी किस में, सेकेंड में, यही वेलोसिटी ए टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी फाइंड करना वी इक्वल्स टू, तो 9 × t² माइनस क्या लिखेंगे 5, 9 × क्या लिखेंगे 2² माइनस 5, तो 36 माइनस 5 31 मीटर, 31 मीटर पर सेकेंड। अब हमें अगर 3 सेकेंड पे फाइंड करना हो तो यहाँ पे टी इक्वल टू कितना सब्सटीट्यूट कर देंगे, वेलोसिटी ए टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड, तो भी क्या करेंगे भाई, यहाँ पे टी इक्वल टू 3 रख देंगे, 9 × 3² माइनस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 81, 9 होगा 9 × 9 81 और माइनस 5 कितना हो जाएगा 76 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, सेकेंड वाले पोर्शन में हमें क्या पूछा था, एक्सेलरेशन ए टी इक्वल टू 1, 2 और 3 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन देखते हैं, यहां से एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई, यहां से तो ए 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसी में सब्सटीट्यूट करना है, एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे कैसे फाइंड करेंगे, 18 × t है तो t के प्लेस पे क्या रख देंगे 2 इक्वल्स टू 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर t इक्वल टू 3 सेकेंड में फाइंड करना है एक्सेलरेशन 8 t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो क्या लिखेंगे भाई 18 × t और t की वैल्यू कितना रख देंगे 3, 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं थर्ड पोर्शन में, ये सेकेंड पोर्शन था, थर्ड में क्या पूछा है, फाइंड टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम्स 0, वह टाइम फाइंड करना है जिस पर वेलोसिटी क्या हो जाए 0 हो जाए। तो यहां पे जो गिवन है वेलोसिटी उसको 0 कर कर है कि वेलोसिटी क्या हो जाए 0, तो वेन वी इक्वल्स टू क्या हो 0,
वी कोश क्या आ जाए जीरो, वी की वैल्यू कितना गिवन है यहां पे 9t² - 5 इक्वल टू जीरो, तो यहां से 9t² इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, और t² इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से 5/9, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा √5/9 इक्वल टू √5/3 सेकेंड। इस टाइम पर वेलोसिटी क्या आ जाएगा जीरो, क्या आ जाएगा जीरो। अब हमें क्या फाइंड करना है एक्सेलरेशन, कर एक्सेलरेशन कब जीरो रहा होगा, वेलोसिटी कब जीरो रहा होगा √5/3 सेकेंड पे, और एक्सेलरेशन कब जीरो रहा होगा फोर्थ में, व्हेन a इक्वल्स टू जीरो, a की वैल्यू कितना दिया 18t = 0, तो यहां से t इक्वल्स टू कितना ऑप्शन हो जाएगा 0/18, 18 इधर चला जाएगा इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब इनिशियली इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा जीरो, t इक्वल टू जीरो का मतलब इनिशियली नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लिया जाए यहां पे क्वेश्चन गिवेन हो x इक्वल टू 3t² - 6t, कह दे इसका एक्सेलरेशन वेरिएबल है और कांस्टेंट है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले तो पहले वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, वेलोसिटी v इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई d dt ऑफ क्या लिखेंगे x, तो यहां से लिखेंगे d dt ऑफ x की वैल्यू जो हो जाएगी 3t² - 6t हो जाएगा, 3t² - 6t, तो यहां से लिखेंगे 3 बाहर हो जाएगा, t स्क्वायर को क्या लिखेंगे 2t, टी स्क्वायर को क्या लिखेंगे 2t माइनस ये 6 बाहर हो जाएगा और t का डिफ्रेंसिएशन 1, तो ये हो जाएगा 6t - 6। अब ये वेलोसिटी भी हमको फाइंड हुआ है, अब क्या फाइंड कर लेते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या हो जाएगा d dt ऑफ v, और d dt बाहर कर लेते हैं और v की वैल्यू कितना है यहाँ पे 6t - 6 है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6 बाहर हो जाएगा, t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 और माइनस से 0 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल, कांस्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे टाइम आ नहीं रहा है, 6 जो है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या रहेगा कांस्टेंट। लेकिन अगर यहीं पे गिवन आता टी पर क्यू और इसकी वेलोसिटी हम फाइंड करते तो कितना आता है 3 यहाँ पे आ जाता और यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाता, तो यहाँ पे हो जाता 9t² और यहाँ पे रखते 9t² और जब डिफ्रेंशिएट करते तो 9 बाहर आ जाता, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t और ये -0 इक्वल्स टू 18t। यहाँ पे t आ रहा है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन a है वो टाइम पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन a टाइम पर डिपेंड करने का मतलब ये हुआ कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई क्वांटिटी वेरिएबल होगी और कांस्टेंट होगी। अब फिजिक्स में जो एप्लीकेशन होगा मैथ का, उसमें एक एप्लीकेशन आता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दो वैल्यू होती है, एक एवरेज वैल्यू होती है और एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये बहुत जगह पे आएगा फिजिक्स में। इसका मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं, एवरेज वैल्यू का मतलब किसी टाइम इंटरवल में फिजिकल क्वांटिटी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब एक इंस्टेंट का मतलब हर टाइम पे। जैसे ले लिया जाए यहाँ पे ले लिया जाए x, क्या ले लिया जाए इस पर t ले लिया जाए और इस पर क्या ले लिया जाए x ले लिया जाए, तो किसी टाइम इंटरवल में यहाँ पे t1 और यहाँ पे t2, यहाँ पे x1 और यहाँ पे क्या हो जाए x2, तो जब एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे a से b तक तो उसे बोलेंगे एवरेज। एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, जब एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट δx/δt, δx का मतलब हुआ x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2 का मतलब यहां से लेकर यहां तक x2 है, x1 का मतलब यहां से यहां तक x1 है, x2 - x1 अपान क्या लिखेंगे
टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस क्या लिख देंगे टी वन, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा, इसी ग्राफ में एक एक पॉइंट पे, यह एक्स हुआ और ये क्या हुआ, तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज क्या होगा यहां पे, तो इसके लिए हम लोग टेंजेंट ड्रा करेंगे, अभी आगे चलेंगे तो सीखेंगे हम लोग। मतलब ये जो टाइम है दोनों, यह घटते 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 एक टाइम इंटरवल इतना बड़ा था, इस टाइम इंटरवल को थोड़ा और छोटा किया गया। टाइम इंटरवल यहाँ टी वन से लेकर कहाँ था, टी वन से टी टू तक था, तो हम लोग टाइम इंटरवल कम कर लिए, ये टी वन यहाँ पे, टी टू यहाँ पे, टी वन यहाँ पे आ गया और टी टू यहाँ पे, तो दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा, ये दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और अगर आते आते यह पॉइंट और यह पॉइंट दोनों एक ही पर आ गए, सेम पॉइंट पर, तो उसे बोलेंगे इंस्टेंट। अब कोई टाइम इंटरवल नहीं हो गया है, एक इंस्टेंट पर वैल्यू, मतलब टी वन और टी टू दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए, लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम पॉइंट पे आ गए, इसका मतलब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। जैसे टी टू माइनस टी वन यहाँ पे तो कुछ मिला था डेल्टा टी, लेकिन यहाँ पे टी टू माइनस टी वन करें दोनों पॉइंट एक ही पर आ गया, यह और यहीं पे, तो इनके बीच का डिफरेंस लगभग क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिखा जाता है, और ये डेल्टा एक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब भी हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी को या एवरेज क्वांटिटी को इंस्टेंटेनियस में चेंज करना हो, तो समझ जाएंगे टाइम इंटरवल जीरो हो चुका है, क्या हो चुका है, जीरो। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग देखते हैं, अगर एवरेज लिखना हो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इसे लिखेंगे वी एवरेज इक्वल्स टू, वी एवरेज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस तो क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वी आई एन, आई एन का मतलब इंस्टेंट, इसको जीरो बना देंगे लगभग, लिमिट इसको ऐसे लेते, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। लिमिट का मतलब होता है कि लगभग वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, डेल्टा टी इक्वल्स टू अगर जीरो हो जाए, और वी एवरेज लिखेंगे, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हमें वी इंस्टेंटेनियस लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जो एवरेज वैल्यू रहेगा उसका लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो वी एवरेज इसका, और ये जो वैल्यू लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लिमिट ऐसे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो ये, और वी एवरेज की वैल्यू कितना है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब हमें याद रखना पड़ेगा, जैसे ही लिमिट हटेगा वैसे ही डेल्टा हट जाएगा, डी में चेंज हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। ये जो डेल्टा होता है थोड़ा बड़ा चेंज होता है, और जो डी होता है बहुत स्मॉल चेंज होता है, क्या होता है, एक इंस्टेंट पे। तो जैसे ही लिमिट हटता है वैसे ही डेल्टा किस में चेंज हो जाता है, डी में। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर, या एक्सेलरेशन का देखते हैं हम लोग, कौन सा एवरेज एक्सेलरेशन अगर लिखना हो, एवरेज एक्सेलरेशन तो क्या लिखेंगे, ए एवरेज इक्वल्स टू लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। लेकिन अगर हमें यहाँ पे इंस्टेंटेनियस लिख देना हो तो क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कौन सा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ए इंस्टेंटेनियस ए आई एन इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे गिवन रहेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो और ए एवरेज लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन तो मालूम है डेल्टा वी अपन डेल्टा टी, इसका मैग्नीट्यूड ओनली गिवन है, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब भी लिखेंगे तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे, मतलब यहाँ पे जो टाइम है इसको लगभग जीरो बना देंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो, और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और ए एवरेज की वैल्यू कितना है, डेल्टा वी अपन डेल्टा टी। यहाँ से जैसे ही लिमिट हटेगा वैसे ही डेल्टा किस में चेंज हो जाएगा, डी में, तो डी वी अपन क्या हो जाएगा, डी टी, ए इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। सिमिलरली अगर कह दिया जाए एवरेज पावर, एवरेज पावर पी एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी लिख दें, वही डब्ल्यू अपॉन टी हम लोग लिखते हैं, वर्क अपॉन टाइम। अब कह दे इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर पी इंस्टेंटेनियस, तो अभी हम लोग बोले हैं कि अगर हमें एवरेज मालूम हो और इंस्टेंटेनियस
फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ले लेते, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और यहाँ आप लिख देंगे पी एवरेज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और पी एवरेज की वैल्यू कितना है, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, हेंस डी डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी, जैसे ही डेल्टा हटेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, डी। तो अब हम लोग जहाँ भी फिजिक्स में एवरेज वैल्यू आएगा और इंस्टेंटेनियस फाइंड करना हो तो एवरेज का लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे ही लिमिट हटेगा डेल्टा किस में चेंज हो जाएगा, डी में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, डी में चेंज हो जाएगा। तो ये तो रेट ऑफ चेंज था। दूसरा जो फिजिक्स में एप्लीकेशन होगा वह सबसे ज़्यादा होगा मैक्सिमा और मिनिमा का। कहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी। तो अगर हमें कोई ग्राफ यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, ये जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू क्या गिवेन है, एफ एक्स, ए आई एक्स एक्सिस गिवेन है, y एक्सिस गिवेन है, या x इक्वल टू a पर, a पर, a b पर और a c पर, x इक्वल टू a b एंड c, a b एंड c, ये तीन ऐसे पॉइंट है जहां पे या तो मैक्सिमा है, मिनिमा है और मैक्सिमा है। इसके पहले थोड़ा टेंजेंट का नॉलेज देने, टेंजेंट, टेंजेंट अगर किसी ग्राफ पे ड्रा करना हो तो ये क्या होगा, यहाँ पे ज्यूम कर लेते हैं, और जब भी हमें टेंजेंट फाइंड करना हो तो यहाँ पे हम लोग एक स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये टेंजेंट है और इसका जो स्लोप होगा थीटा, व्हाट y इक्वल्स टू, अगर एफ एक्स फंक्शन है, y का क्या गिवेन हो, एफ एक्स फंक्शन गिवेन हो, तो कह दिया जाए इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ वाई, ये इसका स्लोप होता है, डी डी एक्स ऑफ क्या होता है, वाई होता है। तो कह दिया जाएगा अगर कोई फंक्शन हमें गिवेन हो और उसका स्लोप फाइंड करना हो तो उसका एक्स के रिस्पेक्ट में, या एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में जब भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका स्लोप हमें फाइंड हो जाएगा, क्या फाइंड हो जाएगा, स्लोप। तो हम लोग की नॉलेज रखना पड़ेगा कहीं पर भी स्लोप का मतलब क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ पे मैक्सिमा है, अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें तो किस एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाएगा, जीरो डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जो यहाँ पे थीटा होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है, क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है। यहां पर भी देखा जाए मिनिमा पर भी, तो ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहां पे मैक्सिमा है, इसे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहां पे मैक्सिमा मिनिमा से ही जानेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब देखते हैं, तो चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, एवरी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वह एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस पर होगा क्या, जो डी डी एक्स ऑफ वाई है, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू टेन थीटा, ये स्लोप है, क्या है, स्लोप, और ये जीरो हो जा रहा है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बनाएगा, तो टेन जीरो की वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो जहाँ भी फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू ऑब्टेन करेगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, उसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा बोलेंगे, और वहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई या जो भी फंक्शन गिवेन रहेगा वो जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, क्या एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो मान लिया जाए, आगे हम लोग चलकर पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में कि अगर किसी पार्टिकल को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाए, क्या किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, तो यू स्पीड से फेंका गया थीटा एंगल पे, इधर कंपोनेंट यू कॉस थीटा होगा, वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिलहाल हम लोग को यहाँ पे केवल एप्लीकेशन समझना है, इधर यू साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल्स टू हो जाएगा टू यू साइन थीटा अपॉन जी,
क्या हो जाएगा जी। अब कह दिया जाए टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा, तो इसके लिए हम लोग इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ये देखना पड़ेगा। इधर u और g, u तो इनिशियल स्पीड है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, एक बार इनिशियल स्पीड दो, बार बार तो दिया नहीं जाए, तो u कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, g कांस्टेंट, तो बदलेगा क्या थीटा, ये थीटा बदलेगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हमें फाइंड करना हो टाइम ऑफ फ्लाइट कब मैक्सिमा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम मिनिमा के लिए, जैसे अभी हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा फाइंड किए हैं, क्या फाइंड किए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा के लिए थीटा के रिस्पेक्ट में डी डी थीटा अपॉन एक्स इक्वल टू टू यू अपॉन जी, बाहर हो जाएगा साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए होगा क्या, जो डी टी अपॉन डी थीटा होगा ये जीरो हो जाएगा, तो टू यू अपॉन जी और कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो ये तो कांस्टेंट है, जीरो होगा नहीं, तो यहाँ से कॉस थीटा ही क्या हो सकता है जीरो, और कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इसका मतलब पार्टिकल को एकदम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकना पड़ेगा 90 डिग्री पर, या एंगल कितना हो जाए 90, तब जाकर इसका टाइम ऑफ जो टाइम होगा, टाइम पीरियड वह मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। केवल अभी ये बताया मैक्सिमा और मिनिमा, अब डिसाइड करना है कि मैक्सिमा, यहाँ पे मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है, लेकिन अब डिसाइड करेंगे किसके द्वारा कि मैक्सिमा होगा मिनिमा, इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं इसको एक बार और। इधर अगर हमें वाई इक्वल टू कोई फंक्शन दिया एफ एक्स, और यहाँ पे वाई, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट के लिए कॉन्सेप्ट होगा। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर ये जीरो ऑब्टेंड हुआ, इज ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो से बड़ा हुआ, ऐसे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर जीरो से बड़ा हो गया तो मिनिमा होगा, मिनिमा अगर यह वैल्यू इस क्रिटिकल पॉइंट पर जीरो से बड़ी आ जाए तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और डी टू डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर यह इक्वल्स टू जीरो आ गया तो नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नार पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसके आगे भी प्रोसेस बढ़ता है लेकिन फिजिक्स में यहीं तक आएगा, तो मैक्सिमा मिनिमा कुछ नहीं होगा। तो मैक्सिमा के लिए अगर मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना हो तो डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद डबल डिफ्रेंशिएशन करके डिसाइड करेंगे मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा या मिनिमा वाला। तो अभी तो हम लोग फाइंड किए कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे या तो मैक्सिमा हो गया या तो मिनिमा, अब एक बार और इसका डिफ्रेंशिएशन करके क्लियरली डिसाइड कर लेते हैं कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। कैसे डिसाइड करेंगे भाई, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या आया था, डी टू टी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, एक बार और डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ से हो जाएगा टू यू अपॉन जी, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस टू यू साइन थीटा अपॉन जी, इसी में इस क्रिटिकल पॉइंट को लाकर रखेंगे। अगर जीरो से बड़ा प्राप्त हुआ तो मिनिमा और छोटा तो मैक्सिमा, तो माइनस टू यू साइन 90 डिग्री और पाँच जी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी तो माइनस टू यू अपॉन जी ये निगेटिव ऑप्टेंड हो रहा है, इज लेस देन जीरो है, और इज लेस देन जीरो होने का मतलब क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमा होगा, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी मैक्सिमम, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम। अब थोड़ा बहुत एप्लीकेशन किसका आ सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का, किसका,
इंक्रीजिंग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका भी देख लेते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन x के बढ़ने के साथ लगातार बढ़े, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, अगर लगातार इंक्रीज हो रहा है तो इसे इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, और इसके किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रा कर दें तो ऑलवेज जो एंगल बनेगा 90 डिग्री से कम होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसका मतलब टेन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, ए फंक्शन गिवेन है, ये जो फंक्शन गिवेन है क्या है, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ऑलवेज 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। थीटा अगर 90 डिग्री से कम तो टेन थीटा पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई, ये भी इसका मतलब एफ डैश एक्स जीरो से क्या होगा बड़ा, डी डी एक्स ऑफ वाई लिखेंगे या एफ डैश एक्स लिखेंगे। अगर यहाँ पे एफ एक्स गिवेन हो तो क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स, एक बार अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, दो बार करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। यहाँ पे डैश, एक डैश का मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन, दो डैश का मतलब दो, डी थ्री अपॉन डी एक्स क्यूब का मतलब क्या होगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज जीरो से क्या होगा, बड़ा, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो इसका बहुत कम यूज किया जाएगा फिजिक्स में। इसके पहले वाले जो दो पॉइंट दिखाए उन्हीं का मैक्सिमम यूज किया जाएगा फिजिक्स में। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होगा फंक्शन लगातार क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसके किसी भी पॉइंट को लेकर अगर यहाँ टेंजेंट ड्रा कर दिया जाए तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा। अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसमें 90 डिग्री प्लस इसमें टेन थीटा क्या होता है, निगेटिव लेस देन जीरो। इसी क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई और एफ डैश एक्स इज लेते हैं जीरो, ये डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन है। तो इस प्रकार हम लोग फिजिक्स में डिफ्रेंशिएशन का बहुत सारा एप्लीकेशन करेंगे।